से आज तक रिपोर्टर संतोष गुप्ता के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आगमन है। 28 फरवरी को आज आगमन था 9 बजे के करीब में, लेकिन कुछ ही पल में यहाँ पे आने वाले राजनाथ सिंह। आइए हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि हमारे मैया सीता के जन्म स्थली सीतामढ़ी में राजनाथ सिंह यानी हमारे देश के रक्षा मंत्री का आज आगमन है। इसके आने में क्या क्या यहाँ पे किया गया है आज सीतामढ़ी में, हालांकि कल ही हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एक नजर आपको दिखाते हैं कि हमारे बैक में आप देख सकते हैं कि यहीं पे रक्षा मंत्री पुनौरा धाम के जस्ट पीछे वाले प्रांगण में उतरेंगे। वहां से पुनौरा धाम जाएंगे, मैया सीता की नगरी सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में जाएंगे, सीता जी से भेंट करेंगे। उसके बाद यहां से द्वारिका, जो जानकी मंदिर से थोड़ा आगे है, वहां से द्वारिका पैलेस में रुकेंगे, वहां पे कुछ उसका भाषण स्पीच देंगे। उसके बाद वो जानकी मंदिर सीतामढ़ी में फिर जानकी मैया से भेंट करने जाएंगे। तो चलिए हम आपको बारीकी बारीकी से सब कुछ बताते हैं कि कितने देर में रक्षा मंत्री आएंगे। जब तक ये बने रहिए हमारे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेलीफैंट बनाया गया है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आएंगे कुछ ही पल में हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो ये देख सकते हैं कि यही वो फील्ड है, कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगे और उनके सुरक्षा में देश की सबसे बड़ा सुरक्षा कैबिनेट यानी मंत्री है, जिसके सुरक्षा में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा सुरक्षा कर्मी फोर्स है, सभी प्रकार का जो फोर्स है, पुलिस है, लोकल से लेके बाहर तक का सभी है। और देख सकते हैं कि उसके आने जाने में कोई प्रकार कहीं से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पे हर प्रकार से हर गाड़ी को जांच किया जाता है, किसी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देता है। तो चलिए हम आपको पुनौरा धाम के ओर ले चलते हैं और उस आंगन के दिखाते हैं जहाँ पे रक्षा मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं खुद यहाँ पे देखने के लिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री बिहार में और सीतामढ़ी में आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है और मैया सीता की नगरी सीतामढ़ी के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। तो हम हर एक जानकारी आपको देते रहेंगे, हमारे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम पुनौरा धाम के पास हैं और देख सकते हैं कि पुनौरा धाम में आज यशस्वी राजनाथ सिंह जो देश का रक्षा मंत्री है वो आने वाले। आपको बता दें कि लखनऊ के वो अभी सांसद रह चुके हैं और पूर्व गृह मंत्री जो थे वो राजनाथ सिंह थे, लेकिन फिलहाल अभी वो देश के रक्षा मंत्री है और अभी का जो गृह मंत्री अमित शाह है। तो भाजपा के मोर्चा द्वारा आज निकाले गए हैं, राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, तो सीतामढ़ी के लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसके क्या सुविधा है, कहाँ से क्या कौन कौन सा फोर्स आया। तो देख सकते हैं कि पुनौरा धाम के जस्ट हम आगे हैं, तो चलिए तो आप देख सकते हैं कि पुनौरा धाम के ये सबसे मेन द्वार हो गए, जहाँ पे राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए ये बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है और जितना भी भाजपा के जो नेता लोग है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, वो सब इसके स्वागत में एकदम पूरी तरह से अपना तुल चुके हैं। और ये देख सकते हैं कि पुनौरा धाम से और चारों बल जहाँ तहाँ देख सकते हैं कि फोर्स है और इनके स्वागत में देख सकते हैं कि आज सीतामढ़ी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और आपको दिखाया कि जहाँ पे आने वाले हैं राजनाथ सिंह, वहाँ से जस्ट वो आगे जाएंगे सीता मैया से भेंट करके पुनौरा धाम से, उसके बाद वो चलेंगे द्वारिका जो है जानकी मंदिर के आगे वहाँ से। तो हम दिखाया कि राजनाथ सिंह किस जगह पे आने वाले, वो जगह हमारे जस्ट पीछे है, वहीं पे आएंगे कुछ ही पर में। और इतना ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा कर्मी लाग गए हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा कर्मी का आज खुद सुरक्षा कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको कुछ ही पल में दिखाएंगे जब राजनाथ सिंह यहाँ पे आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सीतामढ़ी में आप सीतामढ़ी को देख रहे हैं तो हर एक छोटे खबर सीतामढ़ी के जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पेज को जरूर फॉलो करें और आपको फिर से दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को रक्षा करने के लिए। और वहाँ पे राजनाथ सिंह कुछ ही पल में आएंगे और ये इस साइड देख सकते हैं कि पुनौरा धाम है, यहीं पे दर्शन करेंगे, फिर आगे चलेंगे जानकी मंदिर और द्वारिका जो एक